प्रभारी मंत्री की क्लास में खड़े रहे सचिव, लगाई लताड़, फिर बोले ना रिश्वत लेंगे ना लेने देंगे। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले गांव के माहौल भांपने खुद बरेली के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा पहुंचे। सिर्फ विकास के कार्यों के प्रगति को ही नहीं परखा, बल्कि पंचायत सचिवों को घंटे भर खड़ा रखकर शौचालय, पेंशन, लंबित भुगतान, सरकारी योजनाओं के अनुपालन पर सवाल दागे। जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो कई विभागाध्यक्षों को फटकार भी लगा दी, फिर शपथ दिलाई कि ना रिश्वत लेंगे और ना लेने देंगे। विधानसभा चुनाव से पहले ब्लॉकों में हुए विकास को परखने के लिए बरेली के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मीरगंज और भोजीपुरा के विकास खंड परिसर में अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मीरगंज में पंचायत सचिव से पूछा कि आपको तनख्वाह कितनी मिलती है, जवाब मिला 55,000। बोले इतनी तनख्वाह मिलती है तो सेवा भी करिए, गांव की समस्या गांव में ही निपटाई जाए, ब्लॉक की समस्या तहसील कार्यालय तक नहीं पहुंचे। एसडीएम रोस्टर बनाकर सचिवों को एक दिन एक गांव और बीडीओ को एक दिन में दो गांव में रहकर समस्या निस्तारण कराएं। यहां तक आप बात कर रहे हैं तो उसमें क्या कार्य है, कौन से काम के लिए किया गया है, उसमें एनजीटी बहुत सख्त है, उनकी परमिशन से ही सब ये आगे के कार्य होते हैं, लेकिन उसके एवज में भी वृक्ष लगाने होते हैं, तो प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, हुआ है तो बड़ी संख्या में वृक्ष भी लगाए जाते हैं।